Dear students, I am Mathias Gupta and now last time we padhenge UPBCL ka TG2 ka batch aur TG2 ki special class ke liye aaj hum log study karenge, dekhenge ki study kaise hoga aur uska kaise nahi hoga. चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होगी. आपके टॉपिक कैसे होंगे, क्या होगा, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा कि TG2 में के एग्जाम में सबसे पहले जो पेपर होता है वो कंप्यूटर का पेपर होगा, जो 50 नंबर के होंगे. और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 जुलाई से फॉर्म सबमिशन का डेट है. आप लोग वेबसाइट पे चेक कर लेंगे UPBCL के, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन देख लेंगे, फीस वगैरह देख लेंगे, आपके कैंडिडेचर देख लेंगे. तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की क्लास. कंप्यूटर की क्लास में बेसिकली आपको दो चीजों का ध्यान देना होगा. पहला, मेरे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तथा उस पर जितने भी वीडियो आज से अपलोड होंगे वो सभी वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उस चीज को शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा साथ में उस टॉपिक से कैसे आपके TG2 में क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको 1 बाय 1 दूंगा या होमवर्क करने के लिए दूंगा. तो चीजें विशेषकर स्पेशली हमारे लास्ट 3 इयर्स की अगर बात करें तो वो चीजें आपके पास थोड़ा सा फैकलोर है, चीजें आपको रुकी हुई है. तो चीजों को आप ध्यान देंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, कैसे माइंड मेकअप करेंगे, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. हमारे पास सब कुछ तैयारी है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है. तो जॉब लेने के लिए हमें सबसे पहले अपना 100% लेना होगा. और एक बात और बता दूं कि जिस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी को आने में सालों लग जाते हैं. तो अगर इस साल आया है तो आप उस चीज को रोकेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त 2019 में वैकेंसी आई थी, जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ था, सॉरी 18 में आया था, फिर जनवरी 2019 में एग्जाम हुआ था और उसके बाद से नोटिफिकेशन आया, कैंसिल हुआ. फिर उसके बाद हमारे पास एक COVID-19 का महामारी चालू हुआ जिसमें हम 4 महीनों से इधर के उधर पड़े हुए हैं. हम लोग चाहकर भी स्टडी नहीं कर सकते हैं या चाहकर भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास बचा क्या, ऑनलाइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जो आपके साथ यहाँ पे चलेगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं TG2 कंप्यूटर के लिए आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. 50 नंबर के क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन होंगे. जैसे अगर हम सीधा शॉर्ट में बात करें तो बेसिक की अगर बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो बेसिक इंट्रोडक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ. इसके बाद हार्डवेयर से आपके पास 15 क्वेश्चन बनेंगे. सॉफ्टवेयर आपके पास 18 क्वेश्चन बनेंगे. नेटवर्क 4 क्वेश्चन बनेंगे. इंटरनेट से 4 क्वेश्चन बनेंगे. फिर आपका सॉरी यहाँ पे 6 नंबर के बनेंगे और 2 क्वेश्चन होंगे आदर के लिए. तो ये आपके पास टॉपिक है.
इन सभी टॉपिक से मिलाकर ये आपके टोटल बनते हैं 50 क्वेश्चन। यानी हमारे पास यही सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब ये होता है कि कंप्यूटर्स के बारे में आप क्या जानते हो, कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, या इसके अलावा कंप्यूटर की जनरेशन जिसको पीढ़ी कहते हैं वो क्या होती है, कंप्यूटर में आपके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, यानी लाभ और हानि वो क्या होते हैं, कंप्यूटर का ड्रॉबैक क्या है, एक कंप्यूटर के आ जाने से हमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, कौन से नंबर्स को समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो मैं बता दूं, कंप्यूटर्स में हार्डवेयर का मतलब ये होता है कीबोर्ड के बारे में स्टडी करना, मॉनिटर्स के बारे में स्टडी करना, सीपीयू, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पैन, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, यानी कंप्यूटर्स में अब तक जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, या इनपुट डिवाइस हैं, या आउटपुट डिवाइस हैं, इन सभी के बारे में हम लोग हार्डवेयर में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इस बार का जो पैटर्न होगा फिजिक्स होगा, थोड़ा सा आपका रिवर्स भी जा सकता है और एडवांस भी हो सकता है, तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको हार्डवेयर की स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर 18 क्वेश्चन को गेन करता है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखा है 15 नंबर जरूर है, लेकिन हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेप पढ़ने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको 80 मार्क्स का स्टडी करना होगा। अब 80 मार्क्स को अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर का मतलब उसका डेफिनेशन है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है, उसके लाभ है, उसके हानि है, प्लस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में केवल 3 होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। यानी इन 3 सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और उन 3 सॉफ्टवेयर से हम 18 नंबर गेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज, अब बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर, यानी डेटा सेटिंग का माध्यम। यहाँ नेटवर्क का मतलब होता है फिजिकल कनेक्टिविटी, या वायर्ड या वायरलेस की बात करेंगे, ठीक है। इंटरनेट से 6 नंबर स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हार्डवेयर देखो, यहाँ पर 15 लिखा है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो केवल 8 नंबर का हार्डवेयर आता है, बाकी 7 नंबर जो मिसलेनियस है। अब वो मिसलेनियस क्या हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट में ऐड हो सकता है, इसके अलावा कम्युनिकेशन में ऐड होगा, तो यानी बहुत सारी चीजें है। यानी अगर हम यहाँ से सीधे यहाँ पे ड्रॉबैक में 8 नंबर स्पेशली हार्डवेयर के लिए छोड़ते हैं, तो अदर कम्युनिकेशन की अगर बात करें, कम्युनिकेशन 2 नंबर, और इसके अलावा कंप्यूटर कोड से आपका 3 नंबर, और इसके अलावा नंबर सिस्टम से 2। यानी अब आपका फाइनली सोल्यूशन यहां पे मानेगा। यानी ये तीनों क्वेश्चन हार्डवेयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमाने का काम करते हैं, कुछ चीजें अलग होता है। आदर्श का मतलब ये होता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हमेशा नए होंगे कि जो आपको हमेशा नए ही लगेंगे। यानी आपको लगेगा कि कुछ नए लैंग्वेज से पूछ लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पूछ लिया क्वेश्चन, तो ये चीजें आपको हमेशा विशेष ध्यान देंगे। ये 2 क्लासेस जो है आपका हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम लोग
डीप करते हैं। डीप का मतलब ये होता है कि अब मैं आपको थोड़ा सा यानी हर टॉपिक से कितने नंबर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको लिख दिया, लेकिन अब आपकी प्लानिंग क्या होगी टीजी टू स्पेशल बैच के लिए। सबसे पहला प्लानिंग कंप्यूटर ही होना चाहिए आपका, क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर है। अगर आपने इसमें पास आउट किया, पासिंग नंबर लिया, तो फिर आपका टेक्निकल वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। यानी सीधी सी मतलब है कि इसको केवल क्वालिफाइंग करना है, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, यानी इसको मेरिट से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। लेकिन अगर मैं जैसे पढ़ाऊंगा और आप वैसे पढ़ोगे और वैसे अपना साथी सभी वर्क करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप जरूर सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से आपको 20 नंबर आपको गेन करना अनिवार्य है, यानी 20 नंबर्स पासिंग के लिए जरूरी है, यानी टोटल मिला कितना 40% आपको पाना है। लेकिन ये यहाँ से ड्रॉबैक है, नेगेटिविटी की ड्रॉबैक है, मतलब कि अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें से आपका 20 सही हुआ, 20 तो नंबर मिल गया, लेकिन अगर कहीं 20 गलत हो गया तो सोच लीजिएगा इसका जो है 5 नंबर पेनाल्टी लगेगा, माइनस होकर आपका नंबर हो जाएगा केवल 15। क्लियर है? तो इसमें विशेष ध्यान देंगे, आप जो भी करेंगे एग्जाम में एकदम सही करेंगे, भले ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 20 है, 22 हो, 24 हो, 26 हो, 30 हो, नहीं हमें 40 से ये करना, हमें नहीं 40 तक जाना है, क्योंकि हमें जो भी करना है वो लिमिटेड दायरे में करना है और सही तरीके से करना है। ये आप विशेष ध्यान देंगे मेरी बात को, क्लियर है? तो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन में आपको लिए आज इसीलिए रखा हूं कि आप अपना माइंड फ्रेश कर लो, क्योंकि आज पहला दिन है आपका क्लास का, तो आप पहले दिन के क्लास में आपको यही लगता है चलो आज तो मैं देखता हूँ क्या क्या पढ़ाते हैं सर, तो मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आज स्टडी भी नहीं कराऊंगा, मैं आपको बस सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने चाहा तो हर मुकाम आपका है। आप एक चीज ध्यान रखना कि आप हम लोग या कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में है और ऐसी महामारी से गुजर रहा है, उस व्यक्ति का क्या हालत होगा आपको अच्छी तरह से पता है। यानी हमारी सेफ्टी यही है कि हम पूरी तरह से लगन से मेहनत करें और हम किसी भी हालत में अगर चांस मिल रहा है तो उसको बीट करके जॉब में कन्वर्ट करें। तो ये भी चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम्स है जो बताया गया है उसमें प्रॉब्लम्स है, तो निसंकोच आप हमसे शेयर करें, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, बेहिचक आप हमसे बोलेंगे, हमसे आप किसी भी बात की प्रॉब्लम्स को किसी भी प्रॉब्लम्स को छुपाएंगे नहीं। ये मेरा आपसे वादा है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स पूछेंगे उसका सलूशन मैं एकदम इजी से इजी तरीके से देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास 3 रहेगा। मैं स्टैंडर्ड बताऊंगा नहीं समझे, मॉडरेट बताऊंगा नहीं समझे, तो मैं आपके लेवल पर आके समझाऊंगा तब फिर समझोगे। यानी हर एक प्रॉब्लम का 3 सलूशन मैं रखा रहूंगा, जो आप समझने के लिए तैयार हो वो मैं प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए तैयार रहूंगा। एक बार नोटिस कर लेंगे, एग्जामिनेशन में 50 नंबर्स के क्वेश्चन पाने के लिए 20 मार्क्स आपको अनिवार्य है। 20 में से ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन का अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, चीजें ध्यान रखिएगा। टॉपिक यही है सारे टॉपिक्स, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग यही बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंप्यूटर्स के विशेषता देखेंगे, कुछ कंप्यूटर्स के लाइफ में देखेंगे कि हमारे लाइफ में कंप्यूटर कितना डेंजरस है, कितना हेल्पफुल है, कितना सो कंफ्यूजेबल है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग
इस टॉपिक में देखेंगे। विशेष चीजें ध्यान रखेंगे आप लोगों को, मैं बस आज के लिए केवल जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप जब जॉब के लिए जाओ, प्राइवेट नौकरी में पैसा बहुत है, लेकिन अगर ऐसी महामारी आपके पास है तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। बैकअप एंड टेक योर जॉब एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर लाइफ। ओके, तो बस नेक्स्ट क्लास में यानी कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप लोग आज जो है एक कॉपी परचेज कर लेंगे या कॉपी बना लेंगे आपके पास होगी, उस कॉपी में केवल कंप्यूटर्स के नोट्स बनाएंगे और डेट वाइज नोट्स बनाएगा जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा। यानी आज का जो डेट है 19 जून, आप आज के डेट का एक पूरा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, सारे चीजें लिख लेंगे, और देन 20 जून से आपको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीजें मिलेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, वो सारे सॉल्यूशन आप करेंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स हो तो बेझिझक आप हमसे पूछेंगे। अब हमारे और आपसे के पूछने का माध्यम केवल कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन किस टाइप का है, या तो यूट्यूब है या तो व्हाट्सएप है। तो आप बेझिझक कर लीजिएगा, और इसी के दौरान आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, तो आप लोग देख लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।